दिल्ली के इंद्रलोक से एक सब इंस्पेक्टर द्वारा सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारने की घटना सामने आई। इसके बाद SI मनोज कुमार तोमर को सस्पेंड कर दिया गया और घटना की जांच शुरू की गई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर ये दावा किया जाने लगा कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों में से एक आदमी बुरके में था। साथ ही ये सुझाव दिया गया कि शायद बुरका पहने आदमी का भयानक मकसद हो सकता है। खुद को पत्रकार बताने वाले ट्विटर यूजर अभिजीत मजुमदार ने ये क्लिप ट्वीट की और लिखा कि क्या 16 सेकंड पर काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने बुरका पहना था। व्यूअर्स गौर करें कि अभिजीत कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी शेयर करते हुए पाए गए हैं। वहीं अक्सर सोशल मीडिया पर गलत दावे करने वाले ट्विटर अकाउंट मिस्टर सिन्हा ने भी यही दावा किया और भी कई दक्षिणपंथी यूजर्स ने ये दावा आगे बढ़ाया। कथित दावे की जांच करने के लिए ऑल्ट न्यूज ने वायरल क्लिप का लंबा वर्जन ढूंढा। इस क्लिप में 11 सेकंड पर ये आदमी काले रंग के कपड़े में दिखता है, जिसके हाथ में भी काले रंग का कोई कपड़ा है और फोन है। इसी वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखने पर हमें 30 सेकंड पर ये आदमी दिखा जो कैमरा की ओर पीठ करके खड़ा है। इसी फ्रेम में उसकी काले रंग की कैप वाली टी शर्ट साफ दिखती है। वायरल वीडियो में इस कथित आदमी को ध्यान से देखने पर ऑल्ट न्यूज ने कुछ बातें नोट की, जैसे इस आदमी के सिर पर काली टोपी है, इसकी काले रंग की कैप वाली जैकेट भी साफ नजर आती है। वहीं इस शख्स ने हाथ में फोन और काले रंग का कपड़ा पकड़ा है। यानी राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स वायरल वीडियो में जिस आदमी को पॉइंट आउट करके दावा कर रहे थे कि उसने बुर्का पहना था, असल में उस आदमी ने काले रंग की टोपी, काले रंग की कैप वाली जैकेट पहनी थी।